है जितनी गोपनीय बात नीतीश ने गठबंधन में रह करके बताया है दूसरों को, जब एनडीए थे उस समय भी सारी गोपनीय बात नीतीश इधर उधर जाके बतियाते रहते थे और दूसरे को दोष देते हैं। ये अनुसूचित जाति का, एक मुसहर समाज का, पूरे अनुसूचित जाति का इन्होंने अपमान किया है, उन पर गलत इस प्रकार के आरोप लगाकर। 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बने। बाबा बिहार सरकार खासकर नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि पहले चुनाव हो, क्या बीजेपी इसको मानती है? क्या चीज? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व हो। ये तो चुनाव आयोग तय करता है। नीतीश जी को अगर चुनाव पहले हो जाएगा तो माइनस जीरो पर चले जाएंगे, वो चिंता ना करें। हालांकि सारी चीजें चुनाव आयोग अपना, हर चीजों का आयोग है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, वो तय करता है डेट कब अनुकूल होगा कब प्रतिकूल होगा, इसलिए वो उनको निर्णय लेना है। जहां तक बिहार के मुख्यमंत्री है तो ये मुख्यमंत्री के कहने से थोड़े चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव चुनाव आयोग तय करता है। महागठबंधन में भगदड़ है क्या? अरे जी तो गए महागठबंधन में, अब देखो मांझी जी जो उन्होंने अपमान किया है, पूरे अनुसूचित जाति का अपमान किया है, ये पिछड़ों का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। एक उनके विधायक, उनके मंत्री, जहां रामचरितमानस के बारे में गंदी हरकतें, गंदी बातें कह करके जनता में जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, वो उनको मानना चाहिए कि रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब कल उन्होंने, एक उनके विधायक ने कह दिया मस्जिद में रामचरितमानस लिखे गए थे, लगता है कि ये मतलब गोस्वामी तुलसीदास के पहले जन्मे थे, वाल्मीकि जी के पहले जन्मे थे। ये सारे लोग ये जानबूझ करके, जो वर्तमान सरकार है बिहार की, ये जो मतलब पलटू राम और उल्टू राम का सरकार, ये चाचा भतीजा, ये मिलकर के हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए, और तुष्टिकरण की नीति अपना करके इस प्रकार के लोगों को उकसाने का काम, इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने का काम, अपने विधायक और मंत्री से हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम, तो रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 23 तारीख को तो जुटान हो रहा है बिहार में, 23 तारीख को तो बड़ा जुटान है। अरे जुटान यही है कि एक हंडा उधर जाएगा, एक हंडा उधर जाएगा, एक हंडा उधर जाएगा। ये रामो बामो सामो झामो चामो सात बहिन चंपा जागो रे जागो, ये जगाने चला है, लेकिन ये टूट करके बिखर जाएगा। इनका कौन रहेगा प्रधानमंत्री, अब तो ये तय करो। दिवा स्वप्न, इनको दिवा स्वप्न आ रहा है सबको, छोटका बनेगा कि बड़का बनेगा। वो जो उल्टू राम और पलटू राम, ये जो भतीजा है, उसको भी धीरे धीरे मन में आ गया, अरे हमारे बल पर उल्टू राम जाएंगे, हम ही क्यों नहीं प्रधानमंत्री के लिए बन रहे। एक युवराज है जो देश को जाकर के, विदेश में जाकर के भारत तोड़ो, अब उसको है, कौन बनेगा पहले प्रधानमंत्री तय करो ना। ये विपक्ष के लोग, अरे देश के लोगों ने तय कर लिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार। ये जनता ने, जिसने भारत की रक्षा, भारत को प्रगतिशील बनाने का जो संकल्प है, 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनाने का, और इसलिए भारत की जनता ने अपने प्रधान सेवक को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया है, और एक नहीं दो तिहाई बहुमत से भी अधिक से फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं, नो वैकेंसी एट ऑल फॉर पीएम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।